तो कुछ काम वाम किया कि नहीं? सब्जेक्टिव असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव, कहीं कुछ ट्राई किया हो? यस मैम। ओके, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो विल अभी आ जाते, बाकी लोग भी आ जाएं, तो विल फिक्स अप अ डे। तो कब तक सब कर लोगे? तभी डिस्कशन का फायदा है जब सब कर लेंगे। सो विल फिक्स अप अ डे, ऑन दैट वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बता दो, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑलरेडी पहले भी कुछ डिस्कशन हो चुकी है, अगर कोई है उसमें प्रॉब्लम तो वो भी डिस्कस कर सकते। और एनसीईआरटी में से जो एक्सरसाइजेस की थी, कहीं थी, किसी भी जहां से भी कुछ किया है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दो, नहीं तो फिर अभी आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है और पुराने की डिस्कशन का अभी आ जाए, बाकी भी तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस दिन हमें डिस्कस करना। हाँ जी, मयंक एंड दीपांश, एक्सरसाइज वो करिए, असाइनमेंट सब्जेक्टिव। हाँ जी, मयंक एंड दीपांश, हैव यू डन यस सब्जेक्टिव मैम। असाइनमेंट? कोई प्रॉब्लम? ठीक नो मैम, सब्जेक्टिव में तो दिक्कत नहीं आ रही थी। है, सब्जेक्टिव में तो आनी भी नहीं थी, सब्जेक्टिव में सीधे सीधे ही क्वेश्चन है, सो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फटाफट से ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट बता दो कि आज हुआ है अभी ट्यूजडे, कैन वी डिस्कस इट ऑन सैटरडे? यस मैम। ठीक है, सो वी आर फिक्सिंग अप सैटरडे फॉर डिस्कशन ऑफ ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट ऑफ सेटर रिलेशन फंक्शन। नोट कर लो सारे, सैटरडे तक बहुत टाइम दे दिया मैंने, इतनी की जरूरत नहीं है, 40-50 क्वेश्चन ही है, बट चलो टेक योर टाइम, डू इट। सैटरडे तक क्या क्या चीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए डिस्कशन के लिए? वन इज सब्जेक्टिव असाइनमेंट, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, थर्ड इज सेट रिलेशन फंक्शन के एनसीईआरटी की ऑल एक्सरसाइजेस। ऑल थ्री थिंग्स शुड बी डन बाय सैटरडे। सो सैटरडे वी आर कीपिंग फॉर द डिस्कशन पार्ट। कहीं पर भी कोई भी आपका प्रॉब्लम होगी चैप्टर की, तो वो हम सैटरडे को डिस्कस करके विल फिनिश ऑफ विद दीज टू चैप्टर्स। ठीक है जी, मैं ग्रुप में भी एक बार मैसेज फ्लोट कर दूंगी, अगर किसी को भूल जाए तो वो देख के वापस से याद आ जाए। राइट, चलिए तो अब हमें शुरू करना है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्री। ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्वाइट क्लियर। आज अभी हम पहले शुरुआत करेंगे, जो चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ा सा उनको हम रिवाइज करेंगे और फिर नई बातों से शुरुआत करेंगे। चलिए जी, ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था हमने? सिक्स रेशियोज। व्हाट वर दोस? साइन कॉस टेन कोसेक सीकेंट एंड कॉट। साइन कॉस टेन सीकेंट सीकेंट एंड कॉट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव रेड अबाउट ओनली सिक्स रेशियोज, कैन आई हैव मोर देन सिक्स रेशियोज? क्या होती ही छह हैं या छह से ज्यादा हो सकती है? अभी पढ़नी है हमने उनके बारे में। व्हाट डू यू थिंक? माय क्वेश्चन इज, देयर आर ओनली सिक्स रेशियोज, ये अभी पढ़ी छह के बारे में है हमने, आगे अभी हम और कुछ पढ़ेंगे अबाउट मोर रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है? एक्चुअली व्हाट वी डू, वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल।
अगर मैं ये एंगल को थीटा ले लूं तो इसके लिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो जितने भी हमने रेशियोज पढ़े, एज अ नेम सजेस्ट रेशियो, एंगल को रेशियो से आप डिफाइन कर रहे हो तो आप कहते हो ये है पी बाय एच, ये है बी बाय एच, ये है पी बाय बी। तो सीकेंट को हम कह देते हैं दिस इज एच बाय पी, दिस इज एच बाय बी एंड दिस इज पी बाय। दिस इज हाउ वी डिफाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेशियो किसके ले रहे हैं, साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। और जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो कितनी साइड है मेरे पास, तीन साइड्स। तीन नंबर्स हो अगर आपके पास, उसमें से कितनी रेशियोज बन सकते हैं। सिक्स रेशियोज पॉसिबल है तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे पास तीन जो लेंस पड़ी है वो पी बी और एच। अगर मैं इनकी रेशियो लेने की बात करूं, ये दो की रेशियो, ये दो की रेशियो, या ये दो की रेशियो, पी बाय बी या बी बाय पी, ऐसे ही यही पॉसिबिलिटी है मेरे पास। दैट्स व्हाई वी स्टडी ओनली अबाउट सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नॉट मोर देन दैट। चलिए जी, ये हो गई पहली चीज, छह रेशियोज पढ़ी, डेफिनेशन हमने देख ली कौन सी कैसे कर। Now, another question is, क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही पढ़ सकते हैं, या कोई और भी ट्राइंगल हो तो वहां पर भी हम रेशियोज की बात कर सकते हैं। अगर मैं कोई सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब अगर मेरे पास ये स्केलिन ट्राइंगल हो तो मैं, आप कहना चाहते हो मैं यहाँ पर साइन बी या कॉस सी या कॉस ए या टैन ए के बारे में बात नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, या इस मतलब एज सच इसके बारे में कुछ, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ ऐसा करके कर सकते हो या कर ही नहीं सकते। मैम इफ वी कैन डिराइव अ राइट एंगल फ्रॉम इट देन वी कैन डू इट। एग्जैक्टली। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए क्या सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात होती है, योर आंसर शुड बी नो। क्योंकि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कोई भी ट्राइंगल है, तो आप उसमें परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड्स को ड्रॉप करके राइट एंगल ट्राइंगल तो बना सकते हो। सो आप यहाँ पर साइन बी कॉस बी टैन बी कॉस सी कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ये एंगल के बारे में भी कुछ भी कर सकते हो। इट मीन्स अगर मुझे किसी एंगल की करस्पॉन्डिंग रेशियो बतानी है तो जरूरी नहीं है कि मेरे ट्राइंगल को राइट एंगल होना पड़े, बिना राइट एंगल हुए भी हम काम अपना जो है वो कर सकते। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट स्टेटमेंट, मैं सॉर्ट ऑफ आई एम डूइंग, मुझे दिया साइन थीटा वन इज इक्वल टू साइन थीटा टू, आई से ये कैंसिल हो गया थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, इज इट करेक्ट प्रोसेस और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। करेक्ट है ये, साइन थीटा वन इज इक्वल टू साइन थीटा टू, साइन साइन काट दिया तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू आ गया। हरमान आप ये कहना चाहते हो कि साइन थीटा वन दिस इज साइन इनटू थीटा, मतलब इसका अगर दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं तभी उसमें से एक को काट के दूसरे को रख सकते हैं, तभी पॉसिबल, अदरवाइज तो पॉसिबल। So, sine theta, you want to say sine into theta? No, ma'am. Then how can I do it if it is not? So, very, very important thing. ये जो हम ratio लिख रहे हैं कोई सी भी sine, cos, whatever, ये बिना किसी angle के meaningless है। ये तभी meaning gain करती है when you have some angle associated with it. Normal sine लिख दूँ, normal cos लिख दूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। So sine theta is not sine into theta. This is a single entity sine theta. अब अगर मुझे दिया sine theta one is equal to sine theta two, इसका मतलब है theta one theta two के बराबर हो सकता है, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है। अभी जैसे जैसे हम trigonometry में आगे चलते जाएंगे वो बात आपको मेरी समझ में आएगी जो मैं कह रही हूँ। But for the time being you can say one of the inferences that I can draw from here is theta one is equal to theta two, but not necessarily that theta one will be only theta two, और भी बहुत सी values की equal ही हो सकती है। तो अभी सिर्फ point ये है कि ये cancel नहीं होता, यहाँ से सिर्फ आप inference draw कर सकते हो कि theta one is equal to theta two. One possibility is कि theta one is equal to theta two. Next point is
मैं यहाँ पर तीन चार वैल्यूज लिख रही हूँ, आपने मुझे बताना क्या ठीक है और क्या गलत है इसमें से। लेट अस से मैंने लिखा साइन थीटा इज 1/2, कॉस थीटा इज 2/3, टेन थीटा 2, साइन थीटा 3/2, सीकेंट थीटा 1/3। कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? सारी करेक्ट है, कोई गलत है? क्या सिचुएशन है वो सर आप मुझे। मैं नंबरिंग कर देती हूँ, दिस इज से 1, 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा बोलिए फटाफट से, क्या क्या यहाँ पर जो मैंने नंबरिंग किया क्या ठीक है और क्या गलत है? सारा ठीक है, सारा गलत है, व्हाट इज द पॉइंट? हाँ जी सौम्या विल टेल मी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट? यस मैम करेक्ट है। पढ़ते हैं साइन थीटा हाफ किस एंगल के लिए होता है? साइन थीटा हाफ 30 degree. Then I come to tan theta is equal to 2. Is it correct statement or not? This is correct. देखो tan theta आपने क्या कहा p by b. जब आप right angle triangle की बात करते हैं, longest side कौन सी होती है? Hypotenuse is the longest side. Perpendicular और बेस में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं tan theta को दो वैल्यू दूं तो पॉसिबल है कि perpendicular बड़ा हो as compared to base, तो tan theta को वैल्यू बढ़ा सकता है। So this is correct. Now tell me cos theta 2/3, is it okay or not? Ma'am, it is correct. It is correct. देखो जरा cos theta है b by h, b को h से हमेशा छोटा ही होना है, b h से बड़ा नहीं हो सकता। यहां पर अगर मैं देखती हूं तो b h के कंपैरिजन में छोटा, सो दिस इज करेक्ट। व्हाट अबाउट sin theta इज इक्वल टू 3/2? इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि sin है आपका p by h, p को छोटा होना था h से, बट यहाँ तो बड़ा हो गया, मतलब बड़ बड़ हो गई। अब secant theta सोच के आंसर करना, secant theta 1/3। wrong, क्योंकि secant theta है h by b, numerator को बड़ा रहना है हमेशा denominator से, या numerator छोटा हो गया है as compared to denominator, तो ये दो चीजें मेरी गलत हो गई, ये तीन चीजें मेरी ठीक। अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी, हमने डोमेन रेंज की बात करी, राइट एंगल ट्राइंगल में बात करते हैं तो क्या ऐसा है कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा नहीं हो सकता या परपेंडिकुलर बेस से छोटा नहीं हो सकता? ऐसा तो कुछ नहीं। मैं अपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं जिसमें ये तीन चार और ये पांच हो, या मैं क्या करूं, ये चार है, ये तीन है, ये पांच है, दोनों पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब पी बाय बी वन से बड़ी वैल्यू भी ले सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर बड़ा भी हो सकता है, डिनोमिनेटर से छोटा भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो टैन थीटा की तो मैं कोई मर्जी वैल्यू लेती हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है जी। इसी चीज को बेस मान करके अब हम एक स्टेप फर्दर जाने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, चलो अभी वहां नहीं चलते, अभी आज हम सिर्फ पुरानी बातों को ही थोड़ा सा रिवाइज करते हैं,
फिर धीरे धीरे करके आगे चलेंगे। ये बातें हमारे पास होगी, साइन थीटा कॉस थीटा क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज दे सकते हैं। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. These are the three things that we have done. अब एक क्वेश्चन सिर्फ मेरा आंसर करना, मैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्यों नहीं बोलती, मैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही क्यों बोलती। Why do I call them identities? Why not equations? What is the problem if I say them to be trigonometric equations? आइडेंटिटीज होती क्या है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अलावा भी और आइडेंटिटीज पढ़ी, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी आपने, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बहुत सारी चीजें पढ़ी आप, उनको भी हम आइडेंटिटीज ही क्यों बोलते हैं? आपने पढ़ा ए प्लस, आइडेंटिटी क्या होती है, क्या फर्क है आइडेंटिटी और इक्वेशन में? कैन यू टेल मी एनी डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन? मैं लिखू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हो, आइडेंटिटी बोलते हो इक्वेशन बोलते हो? अगर मैं यहाँ एक्स को वन वैल्यू डालूंगी ये पांच बन जाएगा, मैं दो डालू तो ये सात बन जाएगा, यहाँ पर मैं ए और बी की वैल्यूज डिफरेंट कर दू तो वैल्यू तो चेंज हो रही है। ठीक, जो इक्वेशंस होती हैं, दे आर ट्रू फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, डिपेंडिंग अपॉन की डिग्री क्या है आपकी इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन, इज इट लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कैसी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। इसकी अगर मैं रूट्स की बात करती हूँ, हाउ मेनी रूट्स कैन अ लीनियर इक्वेशन हैव? वन रूट ओनली। यहां से सिर्फ x की एक ही वैल्यू है, दैट इज माइनस 3/2, जो इसको सैटिस्फाई कर सकती है। माइनस 3/2 डालू तभी मेरा आंसर 0 बन सकता है, वरना तो नहीं बन सकता। लेकिन यहां पर अगर मैं a और b को कुछ भी वैल्यू देती जाऊं, क्या मेरे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर रहेगी? यस, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, दीज आर योर आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज क्या है? Identities are specific relations which stand true for all values of variables. कुछ भी वैल्यू आप दे दो यहाँ ए बी को, यहाँ थीटा को, कुछ भी मर्जी डाल दे जाओ, ये रिलेशन हमेशा ट्रू रहना है। Let us say मैं थीटा को 45 डिग्री दे दू, ये एंगल की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आपको मालूम है। Now let us verify. What is sine 45? 1/√2. क्या ये इक्वेशन ये ट्रू है अभी भी? यस मैम, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 90 degrees, अगेन ट्रू, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 60 डिग्री में भी आपने वैल्यू पढ़ी है, साइन 60 रूट 3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4, कॉस 60 1/2 का स्क्वायर 1/4, अगेन 1। तो मैं इसमें थीटा को जो मर्जी वैल्यू देती जाऊं, मेरी इक्वेशन हमेशा जस्टिफाइड है। दैट्स व्हाई दीज आर आइडेंटिटीज एंड नॉट इक्वेशंस। व्हाइल हियर ओनली अ फ्यू वैल्यूज विल सैटिस्फाई द इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन एंड दिस इज आइडेंटिटी।
ये तीन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी और इसके साथ साथ कुछ चीजें और जो हमें याद रखनी है, दैट इज कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा, सेकेंट थीटा 1/cos थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा. tan theta can be written as sin theta by cos theta. Similarly, cot theta can be written as cos theta by sin. ये सब चीजें आप already पढ़ चुके हैं. और identities के base पर ही आप बहुत सारे result भी prove कर चुके हो 10th class में. Prove this is equal to this. बड़ा कुछ आपने किया है उसमें. कुछ दो चार चीजें अभी हम यहाँ पर भी करते हैं. सबसे पहले यही हुआ होगा, दो रिजल्ट अभी हम पहले डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे, एंड देन ये आप ऐड कर लोगे उन चीजों में जो आपको याद ही रखनी है. देखो एक काम करो, जहां ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हो इट विल बी बेटर आप पांच एक पेज छोड़ देना. जहां जहां आप फॉर्मूले लिखते जा रहे हो वहां सारे फॉर्मूले एक ही जगह इकट्ठे कर देना. हर दिन हम कुछ नए फॉर्मूले करेंगे. अगर एक जगह लिखे हुए होंगे तो बाद में रिवाइज करते हुए आसान पड़ता है. सो लाइक इट्स योर चॉइस, बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि आपने एक पेज से फॉर्मूले लिखने शुरू किए या बेसिक्स लिखने शुरू किए हैं उसके साथ कुछ पेजेस ब्लैंक छोड़ दो, ताकि जो जो फॉर्मूले आते जाएं वो आप उनके अंदर ही एडअप करते जाओ और फिर कभी जब आपको रिविजन की जरूरत है तो एक ही जगह सारे सारे फॉर्मूले आपको मिल जाए. बाकी योर चॉइस कि आप हम प्रोसीड कैसे करेंगे. फॉर्मूला किया फिर उसके कुछ क्वेश्चन, देन नेक्स्ट फॉर्मूलाज, देन क्वेश्चन. This is how we are going to proceed. So whatever way you feel okay with, आप उसके हिसाब से काम कर सकते, right? Yes. पहली चीज जो आपको प्रूफ करनी है, prove that sin 4 theta plus cos 4 theta is 1 minus 2 sin square theta cos square. ये कर रखा है आपने टेंथ में, जल्दी से एक बार रिकॉल करो और इसे प्रूव कर दो फटाफट. और इसको अपने फॉर्मूला की लिस्ट में डाल लो, ये आपको याद ही रखना है. मैम ये फॉर्मूले क्या है जो आपने लिखा है? ये आपको प्रूव करना है और एज अ फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि विद इन द क्वेश्चंस ये रिजल्ट डायरेक्टली अगर आप यूज कर लेते हो तो टाइम सेव हो जाता है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्पेशली. हो गया. चलो बाकी बताओ फटाफट. देवांश हैज डन इट. आई एम डन. डन, ओके. पराग हो गया बेटा? मैम हो गया. ओके, एवरीवन हैज डन इट. क्या हुआ ये फॉर्मूला? इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैंने कुछ नई बात बतानी है. कहां से शुरुआत करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. आई राइट इट एज साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा plus 2 sin square theta cos square theta. This is 1, so 1. और ये term को इधर shift कर दो. 1 minus 2 sin square theta cos square theta is sin 4 theta plus cos 4 theta. Next is sin 6 theta plus cos 6 theta is 1 minus 3 sin square theta cos square theta. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1. और इस टर्म को इधर शिफ्ट करके लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा.
So this is sine 4 theta plus cos 4. हाँ जी हो गया। यस मैम सेकंड भी हो गया। यस मैम ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब लगा दिया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। नाउ अगेन दिस इज वन साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज अगेन वन। सो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा। सो दिस इज अनदर रिजल्ट और इवन यू कैन से आइडेंटिटी, क्योंकि ये भी हर वैल्यू ऑफ थीटा की भी ट्रू होने की वाली है, सो वी कैन से देम आइडेंटिटी। हम पहले बिल्कुल ब्रेक भी कर सकते हैं ना, जो है बोलो क्या कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, साइन सिक्स थीटा का क्यूब प्लस ब्रेक बिल्कुल कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा की वैल्यू यहां से गुण करके दैट वे आल्सो यू कैन दोनों तरीके से जैसे। नेक्स्ट है प्रूफ दैट वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा इनटू वन प्लस टैन थीटा प्लस सेकेंट थीटा इज इक्वल टू टू। वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा इनटू वन प्लस टैन थीटा प्लस सेकेंट थीटा दिस इज इक्वल टू। वो cot theta minus cosecant theta है ना? हाँ जी बिल्कुल, cot theta minus cosecant theta। Thank you.
हाँ जी बोलो फटाफट हुआ कि नहीं। जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तो क्या करते हैं, साइन कॉस कॉट को टाइम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, टैन सेकेंट कोसेकेंट कॉट सब जो कुछ भी दिख रहा है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो फटाफट से। हो गया मैम, ठीक है बेटा, बाकी बोलो फटाफट जिस जिसका होता जाए बोलते जाओ। क्या करोगे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉट को क्या लिखोगे कॉस बाय साइन, कोसेकेंट को वन बाय साइन, this is sine by cos and this is 1 by cos, LCM ले लेते हैं क्या हो जाएगा sin theta plus cos theta minus 1 upon sin theta, this will be cos theta plus sin theta plus 1 upon cos theta। अब क्या करोगे एक तो इसे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी अ थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क, लंबा हो जाएगा। अगर थोड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन, क्या मैं कोई आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a square minus b square and in the denominator you will get sin theta cos theta। इस पूरे sin theta plus cos theta को a ले लिया, b को 1 लिया, तो ये a minus b into a plus b है, so that becomes a square plus sorry a square minus b square। अब क्या करते हैं sin theta plus cos theta whole square को फिर से identity लगा लेते हैं a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab minus 1 upon sin theta cos theta, ये 1 minus 1 से cancel, ये इससे cancel, तो बन गया। Yes sir। तो trigonometric identities को solve करने के लिए या इस तरह के questions को solve करने के लिए algebraic identities भी उतनी ही important। a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube, a cube plus b cube, a cube minus b cube, all are very, very important identities for us. Next. Next one question करने जा रहे हैं, ये question ही काफी important है। किसी भी format में किसी भी तरीके से इसको मोल्ड करके पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन इस पर। इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, प्रूफ दैट एंड कॉस प्लस कैन कॉस प्लस cos theta plus sin theta is equal to under root 2 cos theta, then prove that cos theta minus sin theta is under root 2 sin theta।
देखो जरा क्या करोगे, सोचो थोड़ा सा. हम स्क्वेयरिंग कर देंगे. स्क्वेयरिंग कर दें पहले वाले की. हाँ जी तो जी कर दी. हाँ जी फर्स्ट इक्वेशन में आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. अब बोलो जी क्या करूं? कॉस प्लस साइन का तो कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का तो वन हो जाएगा. इसको वन कर लिया. जो प्रूव करना उसका भी ध्यान रखते जा. ये वन हो गया. वन प्लस टू कॉस थीटा सॉरी दिस इज कॉस थीटा साइन थीटा दिस टू कॉस स्क्वायर थीटा. अब क्या करूं? मुझे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की टर्म बनानी है. मुझे तो वो वैल्यू चाहिए. स्क्वायरिंग तक ओके है. आगे बोलो क्या करें? देखो मैं यहां लिख दूं 2 sin theta cos theta is equal to cos square theta minus sin square theta. ऐसे लिख सकते हैं. इसको इधर रखा, ये दोनों टर्म्स इधर शिफ्ट कर लिया. 2 cos square theta minus cos square theta is cos square theta. ये टर्म उधर जाएगी तो minus sin square theta. हाँ बोलो. हमने क्या किया? We started from the condition that was given to us. That is cos theta plus sin theta is under root 2 cos theta. I said squaring both sides. जब square किया, तो a plus b whole square का formula लगेगा. a square plus b square plus 2ab इसका square किया तो 2 cos square theta. मुझे चाहिए cos theta minus sin. मैं इसको 1 डाल सकती हूँ, बिल्कुल. लेकिन मेरा जो purpose है वो defeat हो जाएगा. मुझे यहाँ पहुँचना. इसको 1 डाल दूं तो फिर आगे प्रोसीड करने के लिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो तो जाएगा इससे भी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम उस केस में आपको. अब ट्रिग्नोमेट्रिक एक ब्यूटी है. क्या आप क्वेश्चन को जरूरी नहीं है एक ही तरीके से कर सकते? एक ही क्वेश्चन को करने के 50 तरीके हो सकते हैं. देखते हैं जरा एक और तरीका इसी को करने के लिए. मेरे को ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालती है. मैं एक चीज यूज कर रही हूँ, बताना जरा समझ में आ रही है. आई राइट cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू. क्या मैं ये लिख सकती हूँ? पहले When I open this a plus b whole square, a minus b whole square, क्या मेरा आंसर 2 बनेगा? क्या मुश्किल बोला मैंने? a plus b whole square का मतलब a square plus b square plus 2ab. This is a square plus 2ab.
प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये और ये कैंसिल हो गया. दिस इज वन, दिस इज वन, सो कैन आई से दिस इज इक्वल टू, देख लो फटाफट से स्टेप, क्या कोई प्रॉब्लम है? अब ये वैल्यू मुझे निकालनी है, ये दे रखी, आई मेक यूज ऑफ दैट. कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह रूट टू कॉस थीटा, अंडर रूट टू कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे निकालनी है. फिर से हम क्या करते हैं, जो निकालना है उसको एक तरफ रख लो, बाकी की टर्म स्क्वायर करके ही उधर शिफ्ट कर देती हूँ. टू कॉस स्क्वायर रूट टू कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये टू हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का. टू आउटसाइड, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस इज टू साइन स्क्वायर थीटा. इधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इधर है टू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ अंडर रूट कर दूं तो रिजल्ट पर पहुंच रही मैं. सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन. और भी मेथड हैं इसको करने के लिए, अभी और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी नहीं है कि जो मुझे समझ में आया, जो मैंने थॉट प्रोसेस चलाया वही करेक्ट है. यू कैन थिंक सम अदर वे, डिफरेंटली सोच करके भी आप आंसर पे पहुंच. सो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रख के काम करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि एक ही ट्रैक पे नहीं सोचना, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, कहीं से भी किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन करके हम अपने रिजल्ट पर पहुंच सकते. ठीक है, तो कुछ बेसिक्स को याद रखेंगे और चलते जाएंगे क्वेश्चंस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान है, और जो भी ये प्रूव करने वाले स्पेशली जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें तो जो आंसर है वहीं से आपको हिंट मिल रहा होता है कि आपने क्या करना. दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हिंट. जैसा अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है यहाँ पर, देखते हैं हम आपको समझ में आ रहा है या नहीं. मुझे दिया है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई. प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप?
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स और प्लस कर देना दोनों इक्वेशंस को, स्क्वेयरिंग और दोनों को प्लस कर देना, स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा, स्क्वायरिंग करके ही मिलेगा और तो कोई तरीका नहीं है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड टू, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड टू, पहले टर्म का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, जब मैं कह रही हूं स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, और जब ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पहले टर्म का स्क्वायर हो, दूसरी टर्म का स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या कहा, इंक्वायर कर दो, ये कैंसिल, इन दोनों टर्म्स में से जब आप ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से बी स्क्वायर बाहर कर दो तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to x square plus y square. J1. So, mil gaya result a square plus b square is equal to x square plus y square. जिसको समझ में नहीं आया फटाफट से माइक ऑन करो और कुछ। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि हम x square plus y square को पुट करते हैं इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाह रहे हो, वन एंड द सेम थिंग, आपने स्क्वेयरिंग करी, आप कह रहे हो हम इन दोनों को मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तब भी तो एक्चुअली इन दोनों को ऐड ही कर रहे हो, राइट? यस मैम, बिल्कुल कर सकते। हाँ जी, समझ में आ गया सभी को? समझ में आया सबसे लास्ट। क्या समझ में आया? फाइनल स्टेप मैम। फाइनल स्टेप, ओके। मैंने कहा इन दो को ऐड करो, बेटा जब ऐड करोगे तो यहां से टर्म बच रही है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से टर्म बची ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइड तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर को बाहर कर दिया, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंदर बच गया, ऐसे ही इन दोनों में से बी स्क्वायर को बाहर कर दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वन, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। क्वेश्चन में ये ना दिया हो करके, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता, सेम क्वेश्चन को पूछने का तरीका, ये दो रिलेशन दे दिए और आपको कहा जाए एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ एलिमिनेट, इंग्लिश मीनिंग ऑफ एलिमिनेट, रिमूव, एलिमिनेट मतलब मुझे अपने फाइनल रिजल्ट में थीटा नहीं चाहिए, मेरे फाइनल रिजल्ट में ए बी एक्स वाई आ सकता है, थीटा नहीं आ सकता। अभी जो क्वेश्चन का आंसर था उससे मुझे हिंट मिल रहा था स्क्वेयरिंग का, लेकिन अब अगर ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया गया और बोलते हैं एलिमिनेट थीटा, तो एक बार बच्चों ध्यान रखना, ध्यान से देखो क्या बात में कह रही, यहां पर कॉस थीटा का कोफिशिएंट ए है, साइन का भी, यहां रिवर्स हो गया, साइन का कोफिशिएंट ए हो गया, कॉस का भी हो गया, यहाँ इनवर्टेड प्लस साइन था यहाँ माइनस, तो जब भी ऐसे सिचुएशन आएगी और थीटा को एलिमिनेट करने की बात करी जाए तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इज द ओनली वे आउट। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, यहां पर ए का कोफिशिएंट, सॉरी कॉस थीटा का कोफिशिएंट ए है, यहां पर साइन थीटा भी, अब रिवर्स हो गए,
कॉस का कोएफिशिएंट बी बन गया, साइन का ए बन गया, एक चीज। दूसरा ये साइन भी अपोजिट, अगर साइन अपोजिट नहीं होगा तब भी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग काम नहीं, ये प्लस है तो ये माइनस होना पड़ेगा, ये माइनस होगा तो इसको प्लस होना पड़ेगा, देन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग विल ऑलवेज वर्क फॉर एलिमिनेटिंग द थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन है, तो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे पास एलिमिनेशन करने के लिए थीटा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आप लोग टेंथ में करते हो जहां तक मुझे समझ में आती है। क्वेश्चन है आपके पास, इफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी, इफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी, फाइंड अदर, फाइंड secant theta tan theta, find secant theta tan theta and sin theta in terms of p, in terms of p. I repeat the question, क्या कहा मैंने, secant theta plus tan theta p है, आपको अब secant theta individually, tan theta individually और sin theta individually इन तीनों terms को in terms of p लिख करके बताना है। secant theta is equal to p minus tan theta, no p minus tan theta नहीं ले सकते मैं, मेरे को किसके टर्म में चाहिए आंसर, सिर्फ p की टर्म्स में चाहिए, only in terms of p, say secant theta is 2p 1 by p whatever, it should be only in terms of p, now no theta should be there, करते थे हम ऐसे क्वेश्चंस टेंथ में। क्या है किसी को, क्या करते थे ऐसे? अब एक बार सबसे पहले देखो, बोलो मैम, सबको साइन कॉस में करते, साइन कॉस, अगर आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर भी लेते हैं तो क्या मिलेगा, इसको लिखेंगे वन बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, आपके पास आ गया वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, आगे क्या करो, आइडेंटिटी यूज करते हो, कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज करोगे, secant square equal to 1 upon plus tan square theta की आइडेंटिटी यूज करो। देखो जी, अब आपको एक बार समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर मैं दो चीजें, दो वेरिएबल है, secant theta tan, इक्वेशन एक ही है, क्या दो वेरिएबल एक इक्वेशन से कभी निकल सकते हैं, कभी भी आप यूनिक वैल्यू तो नहीं निकाल पाऊ, इसका मतलब मुझे एक और रिलेशन चाहिए ही चाहिए जिसको मैं यूज करूंगी अलॉन्ग विद इट टू रीच एट माय आंसर, क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, secant square theta minus tan square theta is 1. अब ध्यान से देख, क्या मैं इसको लिख दूं secant theta minus tan theta into secant theta plus tan theta is equal to 1. A square minus B square लगाया मैंने, A minus B into A plus B. अब ये वैल्यू है मेरे पास,
तो क्या मैं लिख दूं सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इज 1/2 यस मैम। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, एक जो मुझे क्या आया। हाँ जी एमए वाला स्टेप्स किस को समझाना, बैंक ध्यान कहीं और होता है, काम कहीं और होता है, इसीलिए बार बार पूछना पड़ता है, ध्यान से सुना करो। बच्चा ये आइडेंटिटी पता है हमें, secant square theta minus tan square theta 1 होता है? Yes ma'am। मैंने सिर्फ क्या किया, a square minus b square की आइडेंटिटी लगा दी, a minus b a plus equal to 1 as such ही पड़ा। अब ये वैल्यू मुझे दे रखी है अपनी, तो अगर मैं यहाँ लिख दू secant theta minus tan theta into p is 1 और ये p को इस तरफ शिफ्ट कर दू तो 1 by b हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशंस पड़ी हैं, दो वेरिएबल हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे, ऐड करोगे सेकेंड थीटा की वैल्यू, सबट्रैक्ट करोगे टैन थीटा की वैल्यू, निकाल दो क्या क्या वैल्यू इसमें सेकेंड और टैन। और सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2p अपॉन p, secant theta is equal to 2 plus 2p upon p, no p square plus 1 upon p, 1 plus p square upon 2p। देखो add करोगे ये cancel होगे, 2 times of secant theta ये आ जाएगा 1 by p plus p, इस साइड को अगर मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दूं तो 1 प्लस पी स्क्वायर बाय पी, दिस इज 2 टाइम्स सेकेंट थीटा, तो सेकेंट थीटा निकालने के लिए 2 नीचे ले आएंगे, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंट थीटा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 पी। अब टैन थीटा निकालने के लिए क्या करो, इन दो इक्वेशंस को ऐड करने की बजाय सबट्रैक्ट कर दो और देखो जरा क्या मिलेगा, p square minus 1 upon 2p, p square minus 1 upon 2p। एक इक्वेशन है मेरे पास secant theta minus tan theta is equal to p, another one is secant theta plus tan theta is equal to 1 by। अब मैंने करना है सबट्रैक्ट, ये कैंसिल, माइनस टू टैन थीटा इज पी माइनस 1 बाय पी, उल्टे लिख दी मैंने, ये 1 बाय पी है ये पी, सो दिस विल बी 1 बाय पी माइनस पी। फिर से एलसीएम ले लो, माइनस टू टैन थीटा इज 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, ये नीचे ले आएंगे तो ये माइनस टू, इसका नेगेटिव बाहर निकाल दो और नीचे वाले से कैंसिल कर दो तो ये आंसर आता है, टैन थीटा इज पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 पी, सेकेंट थीटा इज पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 पी। यहां तक जिस जिसको समझ में नहीं आया कृपा करके वापस पूछो। अब यहाँ पर एक चीज और निकालनी थी, एक टैन निकालना था, एक सीकेंट निकालना था, एक और चीज निकालनी थी, क्या निकालना था बताओ, साइन थीटा, वो भी निकाल दो सर, यू हैव टैन थीटा यू हैव सीकेंट थीटा, आई वांट टू फाइंड आउट साइन थीटा।
बोलो जी क्या आंसर आएगा साइन थीटा का। परेशान क्यों होंगे? tan theta क्या होता है? sin theta upon cos theta, this is p square minus 1 upon 2। यहां से क्या cos theta की वैल्यू बता सकते हो? 2p upon 1 plus p square। if this is secant theta then cos theta is its reverse, that is 2p upon 1 plus p square। यहां पे वैल्यू डाल दो cos theta। sin theta upon 2p अपॉन वाला ये ऊपर चला जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन, ये और ये कैंसिल, सो साइन थीटा इज पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। सो ये तीन चीज सारे सारे स्टेप नोट करो, जहां पर दिक्कत है वापस पूछ लो फटाफट। हां जी, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट? मैम tan थीटा का लास्ट स्टेप बताना, जो tan थीटा निकालना बेटा। यहां से एलसीएम लिया 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, I write here minus 2 tan theta is equal to 1 minus p square upon 2। मैं क्या करती हूँ, इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल दू, p square minus 1 upon 2 p, और इधर है minus 2 tan theta, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो tan theta निकालना है, ये 2 इसके साथ एक्स्ट्रा पड़े, ये इधर p है, सॉरी 1 minus p square by p, LCM लोगे तो p है। अब ये माइनस माइनस भी कैंसिल, इस टू को इधर शिफ्ट कर लो, पी स्क्वायर माइनस वन बाय टू पी इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। हाँ जी मैम, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। अगला स्टेप भी समझ में आ गया, साइन थीटा कैसे निकला, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। Yes, ma'am. Okay, Himakshi, Soumya, all of you have understood? Yes, ma'am. चलिए अगला क्वेश्चन जरा थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हो, मैंने सिर्फ एक डिफरेंट फॉर्मेट में डाल करके क्वेश्चन पूछ लिया। और यही चीज समझ में आनी चाहिए कि मॉडिफाई कैसे करना है, जो चीजें मुझे मालूम है उनसे मैंने अपने रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है। This is what we need in trigonometry. लिखो जी, tn is sin n theta plus cos n theta. ये पावर में है, जैसे sin square theta, sin cube theta लिखते हो, अभी पावर n. This is tn. Prove that 2 times t6 माइनस थ्री टाइम्स टी फोर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। पहले जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कहा जा रहा है, एंड देन प्रोसीड। टी एन माइनस में इक्वल टू है, टू टाइम टी सिक्स माइनस थ्री टाइम्स टी फोर प्लस वन को जीरो प्रूफ करना है। टी एन इज साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, दिस एन आर इन पावर। Thank you.
जी आया कुछ समझ में कि नहीं? कैन यू मेक आउट करना क्या था हमें? हो गया मैम जी, किस किस का हुआ बताओ जरा। देखो जी, सबसे पहले तो T6 का क्या मतलब है ये बताओ। यहाँ अगर N है, यहाँ N, यहाँ N, T6 का मतलब N को क्या डालना है मुझे? N sin 6 power 6 is sin 6 equal to 6, this is T6. Similarly, अगली चीज क्या चाहिए मुझे? T4। तो T4 क्या है? sin 4 theta plus cos 4 theta। इसका मतलब मुझे किस टर्म की वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए 2 टाइम्स sin 6 theta plus cos 6 theta minus 3 टाइम्स sin 4 theta plus cos 4 theta plus 1। पहले ये बता दो, ये स्टेप समझ में आया? यहाँ n था, यहाँ पावर में n था, t6 का मतलब n को 6 डाल दो, जहां जहां n है वहां वहां 6 पुट कर। t4 का मतलब जहां जहां n है वहां पर 4 पुट कर दिया। अब क्या करूं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रूफ किया था, किसकी इक्वल प्रूफ किया था इसको? साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा किसकी इक्वल प्रूफ किया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने? वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा टू कॉस थीटा। और इसको मैंने प्रूफ किया था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। Close the brackets. 2 minus 6 sin square theta cos square theta minus 3 plus 6 sin square theta cos square theta plus 1. ये और ये cancel हो गया, 2 plus 8, 3 minus 3 हो गया 0. ये proof करना है। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी बोलो। समझ में आया ये या नहीं? Yes, चलें आगे। Yes, अभी तक हमने जो भी चीजें की इनके बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ करके आए हो टेंथ क्लास के ट्रिग्नोमेट्री। ये जितनी भी चीजें हमने यूज की है, आइडेंटिटीज, दिस एंड दैट, सारी की सारी हम आगे यूज करेंगे डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से। नाउ प्लस वन में जहां से हमें शुरुआत करनी है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आपको मालूम है किसी भी चीज को अगर मैंने मेजर करना है तो मैं यूनिट्स यूज करती हूँ। जैसे लेंथ मेजर करनी है तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन क्या मेजर करना है आई यूज दैट। टाइम मेजर करना है तो आवर, सेकेंड, एवरीथिंग, मिली सेकेंड,
माइक्रोसेकेंड, वो सब चीजें यूज होती है। एंगल को अभी तक आप किस यूनिट में मेजर करते आए? डिग्री, डिग्रीज। बट दैट इज नॉट द ओनली यूनिट टू मेजर द एंगल्स। हमारे पास देयर इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज रेडियन। दो ही हमें सिस्टम याद रखने हैं, दो ही यूनिट्स, वन इज डिग्री, अनदर वन इज रेडियन। डिग्री के बारे में आपको मालूम है, 0 degree, 30 degree, 45 degree, दिस एंड दैट। रेडियंस के बारे में हमने बात करनी है, बट बिफोर गोइंग टू दैट मुझे ये बताओ, से दिस इज एंगल थीटा, इसको ओ कह दिया, ये ए कह दिया, ये बी कह दिया। इस एंगल बी ओ ए या ए ओ बी में, ये ओ ए जो साइड होती है इसको क्या बोलते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं? ए ओ इज बेस, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड? इनिशियल। और ओ बी विल बिकम योर टर्मिनल साइड। यहां से इनिशिएट हुआ एंगल, यहां पर आके टर्मिनेट। सो ओ ए इज इनिशियल साइड, ओ बी इज टर्मिनल साइड। जहां पर ये दोनों मीट कर रही है, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। सेकेंड थिंग, जब हम कहते हैं कि मेरे पास एंगल है से 30 degree, मेजर ऑफ एंगल इज 30 degree, तो मैं क्या 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 चीज है जो 30 degree है? मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस इनिशियल साइड को इस वर्टेक्स के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री रोटेट कर, और मैं यहां पर पहुंच गई, सो दिस एंगल इज 30 degree। नाउ इफ आई से आई हैव गिवन अ रोटेशन ऑफ -30 degree, मैं अपने एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करूं? यही मेरी इनिशियल साइड है। ध्यान से सुनना, पहले मैंने कहा कि मैंने रोटेशन दी 30 degree की, तो मैं यहां से यहां पर आ रही हूं। If I say rotation is of -30 degree, where should I rotate? 60 degree. कैसे? Opposite direction. देखो, negative of the angle, what does it represent? Negative of angle means anti-clockwise direction में जाने की बजाय मैं किस direction में गई हूँ? Clockwise direction. मतलब अब ओ ए को इधर रोटेट कर रही हूं मैं, देन दिस इज गोइंग टू बी -30 degree। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली वी आर अंडर इंप्रेशन कि एंगल्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। पढ़ते हो, ऑल्दो आप इसके बारे में सिक्स क्लास में पढ़ते हो शायद, यहां तक मुझे याद।